चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन का कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट बताया गया था आप लोगों को डेप्रिसिएशन में हमेशा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देखना, कभी स्ट्रेट लाइन मिलता है कभी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जरूर से चेक कीजिएगा। दूसरा क्या बताया गया था, अकाउंटिंग ईयर कभी अप्रैल टू मार्च रहता है कभी जनवरी टू दिसंबर, ये सेकेंड पॉइंट। और रेट कभी लिखा रहेगा ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लाइक 10% 12%, रेट हमेशा कॉस्ट पे होता है, रेट इज एक्सप्रेस्ड ऑन कॉस्ट। जैसे 10% 10% WDV मेथड, तो वो डेप्रिसिएबल अमाउंट पे नहीं कॉस्ट पे डालेंगे, ऐसे डेप्रिसिएशन होता है डेप्रिसिएबल अमाउंट पे। बट रेट हम लोग कैलकुलेट किए थे एक दिन, याद है, D/C, डेप्रिसिएशन बाई कॉस्ट। तो कभी भी 10% 12% दिया रहेगा तो पहला साल कॉस्ट पे ही आएगा, और स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा कॉस्ट पे, डेप्रिसिएबल पे नहीं करना। तो जितने होमवर्क दिया था सभी सम्स को मैं बोर्ड पे सोल्व करूँगा। जो जो बच्चे लास्ट टू क्लासेस एब्सेंट थे उन्हें तो समझ भी नहीं आएगा। आप लोग मोस्ट वेलकम इन नेक्स्ट बैच, जब भी आप रिजल्ट लाओगे, पता नहीं कब लाओगे, उसके बाद अपने नया बैच स्टार्ट करेंगे जनवरी का, आप लोग उसमें कर लीजिए या वीडियो बैकअप देख लीजिए। एब्सेंट रहने से वीडियो बैकअप देखना चाहिए आपको। पहले मैं आज आप लोग को क्लास 11 का अकाउंटिंग सिखाऊंगा, जर्नल लेजर PL बैलेंस शीट, कहाँ कहाँ पे किस तरह से एसेट्स दिखाया जाता है, डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है। तो नोट नंबर लास्ट कहाँ तक पहुँचे थे, WDV मेथड का नोट्स था, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट था ना, 19 हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, 19 होगा बोलिए, डन। और कोई बात नहीं, झगड़ो मत। नोट नंबर नेक्स्ट, अरे कोई बात नहीं, लास्ट नोट कॉपी से मिला लो, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया था ना। प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, सेल्स वैल्यू और WDV देखते ना, सेल्स वैल्यू बड़ा है, सेल्स वैल्यू ग्रेटर है तो प्रॉफिट, और सेल्स वैल्यू कम है तो लॉस। आज मैं बहुत ही आसान बहुत ही छोटा टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी सीख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में ये बहुत काम में आने वाला है। और इस बार जो CA इंटर का एग्ज़ाम वगैरह हुआ है, दो पेपर हो गया है, पेपर बहुत कंसेप्ट बेस्ड आने लगा। पहले क्या होता था ना, वो पुराना पेपर छाप देते थे ये लोग, कभी स्टडी मेट से कभी कहीं से, अभी भी छाप रहे हैं लेकिन दो सम से काट काट के छाप रहे हैं, मतलब दो सम को दो पॉइंट वहाँ से दो पॉइंट यहाँ से मिला दे रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट शायद अभी नया सोच है कि बच्चों के अंदर ना कंसेप्ट स्ट्रांग रहे, कंसेप्ट लॉ का भी पेपर यही आया, कंसेप्ट बेस्ड आया, मतलब जो बच्चा का कंसेप्ट स्ट्रांग है वो पास हो जाएगा, निकल जाएगा। तो पहले क्या था ना, वो स्टडी मेट कर लो उधर से ही क्वेश्चन आ जाता था, 10 साल का पेपर पढ़ लो नैया पार हो जाता था। अभी वैसा इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन वही है बट जैसे आप पढ़ के जाएंगे वैसे एकदम रेडीमेड स्पून फीडिंग वाला नहीं, कंसेप्ट स्ट्रांग है, दो पॉइंट वहाँ से दो पॉइंट वहाँ से, बच्चा को वो सम खुद ही ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि पहले हमने पढ़ा दिया एज इट इज सम हो। ये इंटर का है, फाउंडेशन का क्या होगा वो तो जून में आएगा, बट पेपर आपके स्टडी मैट से रहेगा जो प्रेरणा से दिया गया, और बोर्ड पे आपको दिखाएंगे। तो आप लोग ना कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान रखो, सम्स तो करने ही है परफेक्शन के लिए, जो नोट्स दिखाते हैं ना उसको रटा करो अच्छी तरह से, और हो जाएगा, नैया पार हो जाएगा, और अच्छा मार्क्स के लिए तो और मेहनत करनी ही है आपको। सुनेंगे नोट नंबर नेक्स्ट लिख रहे हैं अकाउंटिंग, हेडिंग दे देना अकाउंटिंग। लास्ट बेंच गुड़िया आज आपका फर्स्ट क्लास है,
अभी वाला टॉपिक तो समझ में आएगा ही, जो मिस हो गया आप नया बैच में कर लीजिएगा। और निधि बेटी आपका क्या खबर, बैकअप वगैरह ले लिया? ठीक है। देखो बेटा, अकाउंटिंग में ये आज आप लोग को सिर्फ तीन चार एंट्री सिखाना है, पहले देख लेना। फर्स्ट है, जब आप परचेज करते हैं, एसेट परचेज करेंगे उसका एंट्री आप सबको पता ही है, एसेट्स टू बैंक। और एक्सपेंसेस, एसेट्स अप टू द डेट रेडी टू यूज, अप टू द डेट रेडी टू यूज, जितना खर्चा लगा उसको भी कहाँ पे दिखाते हैं, एसेट्स में, इसका भी एसेट्स टू बैंक। और साल के लास्ट में क्या लगता है बेटा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे लगता है। डेप्रिसिएशन कभी भी अपने इच्छा के हिसाब से नहीं डालेंगे, साल के लास्ट में ही डेप्रिसिएशन लगता है। यस, साल के बीच में अगर आप बेचते हो तो डेट ऑफ सेल, अदरवाइज डेप्रिसिएशन ऑलवेज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कभी बीच में बेच देंगे तो उपाय नहीं है, वहीं तक लगेगा। और फिर इस डेप्रिसिएशन को पीएल में दिखा देते हैं, पीएल में। ये डेप्रिसिएशन का एंट्री दो टाइप से लगता है। 11-12 में तो अपने ये लिखते हैं, डेप्रिसिएशन टू एसेट, जो अभी सीखेंगे। बट कंपनी वगैरह पे डेप्रिसिएशन टू एसेट नहीं लिख कर एक अलग से खाता खोलते, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये वाला कॉरपोरेट में मिलने वाला है, कंपनी में डेप्रिसिएशन को एक अलग से ही जगह इकट्ठा करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, और आपको थ्रू आउट योर प्रोफेशन सेकेंड वाला ही मिलेगा। चैम्पियन बन के जाना है आपको, तो मैं दो तीन दिन सिखाऊंगा, और ये वाला तो एक दिन में ही सबको समझ में आएगा। तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करेंगे, आई मीन डेप्रिसिएशन का एंट्री, तो 11 वाला तरीका से टन से मत बोल देना, डेप्रिसिएशन टू एसेट। यस बेटा, डेप्रिसिएशन टू एसेट भी होता है, और एक इसका वेराइटी है कंपनी वगैरह में, तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कभी भी कोई आपसे डेप्रिसिएशन का एंट्री पूछे तो पहला वाला एंट्री तो भूलते ही नहीं हो, और हम लोग नेक्स्ट दो तीन दिन में सेकेंड वाला एंट्री भी रट लेंगे फॉर लाइफ टाइम। आप ऑडिट वगैरह में जाओगे, जितने कंपनी के बैलेंस शीट बनाओगे, वहाँ पे ये नहीं दिखेगा। तो क्या दिखेगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक दिन में पढ़ाएंगे तो फिर वो खिचड़ी बन जाएगा, इसलिए छोटा बच्चे के तरह ट्रिंग टिंग टिंग, आज की क्लास सिर्फ ये पढ़ाएंगे, और जितने होमवर्क दिए थे सब सोल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में प्रोविजन। तो कभी भी आज के बाद डेप्रिसिएशन का एंट्री पूछे हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो दोनों बोलेंगे डेप्रिसिएशन टू एसेट भी चलता है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये क्यों होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सब बताएंगे। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला एंट्री मैं बताने जा रहा हूँ, परचेज ऑफ एसेट। एसेट खरीदते हैं, कुछ भी एसेट्स खरीदेंगे, लाइक लैपटॉप खरीदेंगे तो लैपटॉप टू बैंक, कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर टू बैंक, वीडियो कैमरा खरीदेंगे तो कैमरा टू बैंक, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर टू, मशीन खरीदेंगे तो मशीन टू बैंक, सिंपल। एसेट खरीदने का एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कभी कभी क्रेडिट में खरीदेंगे तो पार्टी का नाम, ये है परचेज ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स खरीदते हैं तो एक्सपेंसेस ऑन एसेट भी लगता है, आप लोग को फर्स्ट डे सिखाया गया था या सेकेंड डे। ऑल एक्सपेंसेस अप टू रेडी टू यूज़, रेडी टू यूज़ होने तक का खर्चा को भी कॉस्ट में प्लस करते हैं, तो इसका भी एंट्री यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एसेट्स टू बैंक, ये दोनों का एंट्री बैंक। सर कैश लिखे बेटा, 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट करने से गवर्नमेंट को गुस्सा आता है, दे डोंट लाइक। सो 10,000 से ऊपर का पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करना है,
तो आप लोग भी बैंक बैंक ही बोलना, कैश कैश 11 12 को बोलने दो। यही है दो एंट्री खरीदने के समय, क्लियर है, बहुत सिंपल है। और तीसरा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, डेप्रिसिएशन हमेशा साल के लास्ट में चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स का वैल्यू कम जाता है टू एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन टू एसेट, ये भी सबको आता है। एंड कोई भी एक्सपेंसेस होता है, कोई भी एक्सपेंसेस और इनकम साल के लास्ट में या तो ट्रेडिंग या पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। एनी एक्सपेंसेस इनकम, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस इनकम साल के लास्ट में ट्रेडिंग पीएल में स्वाहा स्वाहा कर देते हैं, और एसेट्स और लाइबिलिटीज को बैग में रखकर नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं। सो ऑल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट्स आर क्लोज्ड। इस साल का खर्चा है, इसी साल उसको ख़त्म कर देना है, नेक्स्ट ईयर नहीं जाएगा, ओनली एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो कभी भी एक्सपेंसेस का एंट्री होता है ना, दो एंट्री होता है, एक एक्सपेंसेस का एंट्री और साल के लास्ट में उसे क्लोज करने का एंट्री। तो आपको तो पता ही है 11 12 पे पीएल में डेप्रिसिएशन दिखाते थे, याद है, पीएल में टू डेप्रिसिएशन, वो यहीं से आता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यस, इतने ही एंट्री है अभी के लिए, और फिर हम लोग इस पे एकदम बच्चा सा एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ ये आइटम्स जाता है, क्या क्या इम्पैक्ट होता है देखेंगे, फिर होमवर्क चेक करके, होमवर्क सोल्व करके सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बेचने पे क्या एंट्री होगा सिखाएंगे। तो आई थिंक इसको रिपीट नहीं करने से भी हो जाएगा, सबको समझ में आ गया। बट याद रखना एक्सपेंसेस का दो एंट्री, एक दिन जिस दिन ट्रांजेक्शन होगा उस दिन, और अपने मन से उसको क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे? पीएल में, जो ट्रेडिंग में जाने वाला है ट्रेडिंग में, जो पीएल में जाने वाला है पीएल में। तो डेप्रिसिएशन का दो एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन टू एसेट और साल के लास्ट में पीएल टू डेप्रिसिएशन। तो जब अपने लेजर बनाएंगे देखना, डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई बैलेंस ही नहीं रहेगा। देखो उधर डेप्रिसिएशन एक बार डेबिट हुआ और क्रेडिट, यही नहीं कोई भी एक्सपेंसेस रेवेन्यू पे, बस 2 साल बाद तो आप कितने अकाउंट्स क्लोज करने वाले हो, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ोगे तो सारा अकाउंट्स क्लोज करेंगे साल के लास्ट में, सब स्वा, ओनली एसेट्स और लाइबिलिटीज बच जाएगा। सो आज के क्लास का इतना ही है, अभी मैं जर्नल बनाऊंगा, लेजर बनाऊंगा, पीएल बनाऊंगा, बैलेंस शीट सब आपको आता है, बट वो कल से आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग अकाउंटिंग, परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट, एसेट टू बैंक, एक्सपेंसेस ऑन एसेट, एक्सपेंसेस ऑन एसेट, ये भी एसेट टू बैंक, खरीदने से भी एसेट टू बैंक और एक्सपेंसेस में भी एसेट टू बैंक। एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन टू एसेट और ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर डेप्रिसिएशन को एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे पीएल टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। एक एग्जांपल लिखेंगे,
1 अप्रैल 2021 कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10,000, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम WDV, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम WDV, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च। अब मैं 3 साल का वर्किंग बनाकर, 3 साल का जर्नल, 3 साल का लेजर, 3 साल का PL, 3 साल का बैलेंस शीट दिखाऊंगा। आपको जिंदगी भर अपने क्लाइंट के लिए ये काम करना है। हमें पता है आप सबको आता है, फिर भी एक ही बात को 3 बार रिपीट करें तो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, और कल से अपने बड़े बड़े सम्स करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो आपको वर्किंग नोट एक बनाना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। आप सबको वर्किंग नोट बनाना आता है, फटाफट मेरे साथ बना लीजिए या ओवरटेक कर लीजिए। आप सब कोई ओवरटेक कर लीजिए और कोई मेरे को हेल्प कीजिए। 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन लगेगा ना? बोलो भाई, पहला साल कितना? 1000, तो बचा 1422 को बुक वैल्यू क्या बचा? 9000। 31 मार्च 2022 को फिर डेप्रिसिएशन, WDV मेथड है ना, तो WDV मेथड है तो 900। जल्दी जल्दी बोलेंगे 8100। फिर 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन 10%, और ये आ गया कितना? 7290 1424 बुक वैल्यू। यस, इसके बाद आप लोग दर्शक बन करके देखेंगे। मैं जानबूझ के एक बात को 3 बार रिपीट करूँगा, क्योंकि जब आप लोग को होमवर्क मिलेगा, कल से सम्स करेंगे, तो याद तो है ही, और बढ़िया से सेट हो जाए दिमाग पे। इसलिए एक ही चीज़ को बार बार दिया जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप लोग गधे हो, आप लोग तो होनार हो, बट इसलिए दिया जाता है कि एक ही काम को 3-4-5 बार करते करते याद हो जाएगा, इसलिए दिया जाता है। नहीं तो आप लोग तो सब ब्रिलियंट हो, आप लोग सब फ्यूचर CA हो, कोई कोई CMA है, तो आप में तो बुद्धिमती तो भर भर के है, बट याद करवाना है इसलिए। तो ये हो गया। आइए बताइए, जर्नल एंट्रीज एग्ज़ाम में क्या आता है सर? जर्नल, लेजर। देखो एग्ज़ाम में क्या आने वाला है किसी को पता नहीं, आज तक जो आया हमेशा लेजर आया है, बट अब CA का पेपर अनप्रेडिक्टेबल होगा। सिलेबस तो यही रहेगा, कंसेप्ट यही, जो नहीं आता है वही आएगा, उसे ध्यान रखना। बोलो, जर्नल नहीं आता, जर्नल ही आ जाएगा। देखो तो कितना तारीख हो, वर्किंग नोट देख के बोलना, कोई भी हवा हवाई में बात नहीं करना, क्योंकि वर्किंग नोट देखकर ही अपन लेजर बनाने वाले, अगर आज टाइम बच गया तो या नेक्स्ट क्लास में, डेट देख के कोई हवा में नहीं जाना। 1 अप्रैल 2021 प्लांट एंड मशीनरी खरीदेना, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। देख देख कर बोलना है, एक भी फिगर अपने मन से नहीं बोलना है, डेट देख देख के बोलना। नेक्स्ट तारीख क्या है? 31 मार्च 2022 डेप्रिसिएशन लगाना, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अमाउंट भी सब वर्किंग नोट ही सब है, 1000। ये जो वर्किंग नोट सीखे 3 दिन, वही 10 नंबर दिलाएगा आपको। चलो फिर उसके बाद सुनो, उसके बाद ये जो एक्सपेंसेस है ना, साल के लास्ट में PL में ट्रांसफ़र, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। PL टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सब जगह अकाउंट लिखते, कितना? 1000। ये ख़त्म हो गया 31 मार्च 2022। आप अपने वर्किंग नोट पे देखिए, नेक्स्ट कितना तारीख लिखे हो? नेक्स्ट 1 अप्रैल 2022 लिखे होगे, वो तो ओपनिंग बैलेंस है, उसका नहीं एंट्री होता है। फिर क्या लिखे हो?
31 मार्च 2023, उधर से भी बोलेंगे तो देखो तो डेप्रिसिएशन लगाए हो क्या, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 900। कुछ एंट्री नहीं होता है, सिर्फ दो ही एंट्री घूमते रहता है, फिर साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा, पीएल में, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट या 900, जितना डेप्रिसिएशन होगा वही ट्रांसफर होएगा। देखो अब 31 मार्च 2023 के बाद 1 अप्रैल 2023 ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस का एंट्री नहीं होता है, वो ट्रांजेक्शन नहीं है। नेक्स्ट डेट बताओ क्या है, 31 मार्च 2024, फिर से दो एंट्री बताइए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 810 और फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 810। तीन साल का जर्नल हो गया, यस। अब आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं लेज़र बनाऊंगा, लेज़र से चाहिए आप लोग के सारे सम्स में लेज़र ही आते हैं। जनरल एंट्री होगा बीइंग पीएम परचेज, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बीइंग पीएम परचेज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड, तीन ही नरेशन, बीइंग पीएम परचेज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड। आप खुद ही कर लो, एक ही एंट्री सब रिपीट हो रहा है। बीइंग पीएम परचेस्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड। और अभिषेक भाई, पीयूष भाई, बर्थडे बॉय है क्या आप लोग, एंड कपिल भाई, आप लोग यूनिफॉर्म में नहीं आते तो हमें लगता है कि चॉकलेट वोकलेट मिलने वाला है बर्थडे वगैरह, ऐसा है, ऐसा ही क्या ये कपिल का यूनिफॉर्म में आया करो या नहीं तो हम लोग को लालच हो जाता है मन में कि आज चॉकलेट वोकलेट मिलेगा, बच्चा का बर्थडे है। उधर भी एक भैया, उधर दो भैया है क्या, ये सब आदत नहीं करो, विदाउट यूनिफॉर्म क्लास में नहीं आया करो, देख देख के सबको मन करेगा कि हम भी अपना ड्रेस दिखाएं, नया नया खरीदें, और जब गुड़िया लोग दिखाने लगे ना तब तो यूनिफॉर्म का सिस्टम ही खत्म, इन लोग तो ज़्यादा ही शौकीन है। जैसे ये भी तुम्हारा भी बर्थडे का, ओहो ठीक है ठीक है, एक दिन में इतना बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म, दिस इज नॉट गुड। या बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड, चलो हो गया सबका। अब जो मैं लेज़र बनाने चाह रहा हूँ ध्यान से देखना, करीबन मोर देन ट्वेंटी सम्स का अकाउंटिंग करेंगे जिसमें आप ही ज़्यादा करने वाले हो, पूरा रट लेना है कि सर एक ही तो एंट्री होता है डेप्रिसिएशन का और कभी खरीदे बेचेंगे तो सेल का। ये हो गया सबका। थर्ड बेंच भाई, हेलो ब्रदर, ऑफ हस्बैंड गुड़िया, डन, मुस्कान एक बार मुस्कुरा दो, हो गया, बोलो बोलो बेटी मुस्कुराओ, यस। सेकेंड बेंच डन, अब उधर सबका हो गया। या अब ध्यान से देखना, जर्नल को खोल के रखना,
आप लोग को बोर्ड पे देखना है, पूरे चैप्टर में यही एक लेजर बनाना है आपको, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब जर्नल देख देख के बोलेंगे, जर्नल देख देख कर, जर्नल नहीं देखने से भी होता है, वर्किंग नोट देख कर भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट में 1 अप्रैल 2021 को पीएम परचेज किया, तो पीएम परचेज करने का एंट्री होता है, पीएम परचेज करने का टू बैंक अकाउंट 10,000। जर्नल से भी बनता है बट वर्किंग नोट से देखना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, वर्किंग बनाएंगे, वर्किंग से डायरेक्ट लेजर, जर्नल नहीं बनाएंगे अपन। अभी दोनों जगह से देख सकते हो, खत्म। फिर नेक्स्ट क्या किया, वर्किंग नोट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू पीएम, कितना तारीख को, हमेशा डेप्रिसिएशन सब डेट वहीं से देखना, वर्किंग नोट से ही देखना। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,000, और हर एक साल के लास्ट में लेजर क्लोज करते हैं, एक एक साल का अकाउंटिंग होता है। देखिए तो डेबिट साइड कितना है, डेबिट साइड 10,000, 10,000, और क्रेडिट साइड में आएगा बाई बैलेंस सीडी 9,000, और यही सीडी नेक्स्ट डे 1/4/22 टू बैलेंस बीडी कितना 9,000, और ये कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, आपके वर्किंग नोट में रहेगा। देखिए 9,000 है ना, हमेशा बैलेंस रहेगा, तो आपको कैलकुलेट करना नहीं है, फिर भी कर लेना और वहाँ से आंसर मिला लेना, कभी इधर गड़बड़ होगा प्लस माइनस में तो पकड़ में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर का लेजर समाप्त हुआ। सेकेंड ईयर देखो, तो सेकेंड ईयर सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज किए, देखो 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 अपने वर्किंग नोट पे देखो, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किए 23 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 900 चार्ज किए, डन। फिर सेकेंड ईयर का लेजर क्लोज करने जा रहा हूं मैं, देखो डेबिट साइड कितना आया 9,000, और 900 माइनस करने से या तो बाई बैलेंस सीडी 8,100, और ये बैलेंस हमेशा वर्किंग नोट से मिलेगा। देखो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 8,100 है, तो ये 1/4/23 को टू बैलेंस बीडी। अब देखो तो 23/24 में क्या हुआ, डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2024 में बाई डेप्रिसिएशन। आप लोग को मेरे साथ कॉपी नहीं करना है, क्योंकि मोर देन 20 सम्स यही करना है। अभी आप कॉपी करोगे तो बाद में आप भी रोओगे, मेरे को भी रुलाओगे। तो भैया अभी एकदम पूरा आराम से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सबको पता है, बट कल से बाउंस बैक नहीं होना चाहिए, सारा सम्स में यही छापना है। सिर्फ एक बार खरीद लेगा और टू बैंक, और बेच लेगा, तो बेचने का एंट्री मैं अभी सिखाने वाला ही हूँ, तो इसलिए आप लोग बोलो बोलो, बोलते बोलते याद होगा। देखो 810, और ध्यान रखना बैलेंस कैलकुलेट तो कर लेना, लेकिन अपने वर्किंग नोट से मिला लेना, कभी गलती हो सकता है वो भी यहाँ पे पकड़ में आएगा। 7290 1/4/24 को टू बैलेंस BD 7290, यहाँ से और वर्किंग नोट से मैचिंग मैचिंग रहना चाहिए। अगर तीन मशीन है, तीनों मशीन का कैलकुलेटर में प्लस कर लेंगे वहाँ से, और ये बैलेंस मैच कर लेगा, ये जरूर से देखना है, डन। वर्किंग नोट हो गया। अब डेप्रिसिएशन का लेजर बहुत रेयरली मिलेगा आप लोगों को बनाने के लिए, फिर भी एक सम सीख लेते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस अकाउंट में साल के लास्ट में बैलेंस नहीं होगा। देखो बेटा एंट्री नंबर 2, जर्नल एंट्री नंबर 2, डेप्रिसिएशन टू टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना तारीख को, 31 मार्च 2022, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,000, और इसको तो रखने ही नहीं है, उसी दिन कहाँ भेज देंगे, बाई पीएल अकाउंट 1,000। और कभी भी
एक्सपेंसेस अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा। लाइफ टाइम याद रखना, लेजर बना रहे हो, एक्सपेंसेस टर्न से जीरो हो जाना चाहिए। तो पहला साल का खत्म, दूसरा साल का फिर से एंट्री लगेगा 31 मार्च 23 टू PM अकाउंट। बाई PL अकाउंट कितना 900। एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट में कभी बैलेंस नहीं रहेगा टू PM अकाउंट। बाई PL अकाउंट 810। थोड़ी देर बाद मैं PL बनाने वाला हूँ। PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है तो ना कि PL में कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट। तो PL में पहला साल का जब PL बनेगा 31 मार्च 22, उसमें डेप्रिसिएशन 1000 रुपये आएगा, और सेकेंड ईयर 23 वाले में कितना आएगा 900, और फिर 810। फाइनल अकाउंट में भी चाहिए, रेक्टिफिकेशन में चाहिए, NPO में चाहिए, सिंगल एंट्री में चाहिए, पार्टनरशिप, 5-5 चैप्टर आ रहा है। ये गड़बड़ तो नेक्स्ट 5 चैप्टर में कहीं कहीं प्रॉब्लम होगा, उसलिए ध्यान देना है ये। ओके, तो ये हमारा एकदम बिगिनर्स के लिए, जो जिंदगी में पहला बार सीख रहा है उसके लिए ये है सेवा। आप लोग इसको आनंद उठाए इसका। फिर PL बनाऊंगा, फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा। कल वोट देने जा रहे हैं ना आप लोग, माइनरी हो क्या? ओके, सब माइनरी है, कोई बड़ा नहीं हुआ क्या? सुजय आप बड़े हो गए, वोट देने जा रहे हैं ना? ओके, सुजय जा रहे हैं, और ओके सब जा रहे हो। हाँ, सोच समझ के वोट देना आप लोग, ये नहीं बोलना है कि किसको देना है। आप लोग TV और न्यूज़ चैनल देख के मत करना, आप लोग सोच समझ के वोट देना। सो 5-6 लोग ही बड़े हैं, बाकी सब छोटे बच्चे। एक एक घूमने जाने का बात होगा तो बड़ों को ही ले जाएंगे, बाकी सबको बोलेंगे तुम लोग रुक जाओ छोटे हो। जो वोट देने जाएगा वो घूमने चलेगा क्योंकि उन्हें बड़े हो गया है, और बाकी सब लोग घर पे बैठा रहना। हाँ सुजय, क्या आप तो बड़े हो गए ना? हाँ घूमने चलेंगे आपके। हाँ पीयूष, PM अकाउंट हुआ, PM अकाउंट एकदम याद हो जाना चाहिए कल से। टू बैंक बाय डेप्रिसिएशन, और कुछ नहीं है, खरीदेंगे टू बैंक और बाय डेप्रिसिएशन, और कुछ नहीं है यहाँ पे। PM अकाउंट हो गया, PM हॉल, PM यस ना नो? यस। डेप्रिसिएशन का लेजर बस एक ही बार मिलेगा, कभी मिले तो आप खुद संभाल लेना,
टू पी एम बाई पी एल अकाउंट अंश बाबा क्या मिस हो गया आपका पीएम अकाउंट बोलो बेटा क्या मिस हो गया आपका यस अपने डेप्रिसिएशन इसलिए सीख रहे हैं कि हम किसी बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर पाए। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ पीएल में कैसे दिखाया जाता है और फिर ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन करेक्ट वो भी दिखाता हूँ आपको बैलेंस शीट बनाकर। ये हो गया सबका। ये डन दैट साइड गुड़िया लोग आज पूरा क्लास 11 11 बिगिनर्स लगेगा बट मेरा आदत है एकदम जीरो से स्क्रैच से पढ़ाने का तो थोड़ा फटाफट कंप्लीट करता हूँ। आइए पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा फॉर द ईयर एंडेड आप लोग को सिखाऊंगा कुछ दिन बाद। फाइनल अकाउंट सिलेबस में है फॉर द ईयर एंडेड पहला साल क्या है देखो तो 31 मार्च 22। पीएल का फॉर्मेट भी आप लोग को बाद में सिखाऊंगा अभी टी सेप में देख लीजिए। पीएल जर्नल एंट्री नंबर 3 देखिए जर्नल नंबर 3 पीएल 2 डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन पीएम लिखते हैं कितना रुपया है 1000। ये अगर फिगर गड़बड़ हो जाएगा तो आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट भी गड़बड़। ये कितना रूल आएगा देखना आप लोग को फाइनल अकाउंट पे सिंगल एंट्री पे एनपीओ पे तीनों चैप्टर पे अपने को प्रॉफिट लॉस ही कैलकुलेट करना होता है। ये रॉन्ग तो पूरा रॉन्ग इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। और पीएल अकाउंट में बहुत सारे आइटम्स आते हैं हम लोग एक ही आइटम को दिखाते हैं। ये इनकम्प्लीट पीएल है कभी भी इनकम्प्लीट पीएल होने से ना एक वर्ड लिखना एक्सट्रैक्टेड या इंक्लूड्स कभी भी पीएल बैलेंस शीट अधूरी कहानी टाइप का बनाओगे तो यहाँ पे ऊपर लिखना होता है क्या एक्सट्रैक्टेड क्या लिखना होता है एक्सट्रैक्टेड और दूसरा टोटलिंग नहीं करना होता है टोटल नहीं करना होता है ओनली एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट पे इस तरह से पीएल अकाउंट एक्सट्रैक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 टोटल नहीं करना होता है। पीएल में अभी बहुत आइटम आने वाला है फिर नेक्स्ट ईयर का पीएल बनेगा फिर से पीएल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कौन सा ईयर है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 यहाँ भी क्या लिखेंगे एक्सट्रैक्टेड और इस पीएल में भी टू डेप्रिसिएशन हर एक साल दिखाएंगे जितना साल पीएम का आनंद उठाएंगे उतना साल उसका खर्चा दिखाएंगे कितना है 900 और ये पीएल पूरा है ना अधूरी कहानी का टोटलिंग नहीं करना होता है और ऊपर दुनिया को बताना होता है अधूरी कहानी एक्सट्रैक्टेड ही बताता है ये अधूरी कहानी। आप इसको लिखना नहीं भूलिएगा क्या पता 1 या 0.5 मार्क्स कट जाए। और एक पीएल अकाउंट बनाएंगे पीएल अकाउंट हमेशा अलग अलग बनता है लेजर एक साथ बना सकते हो पीएल अकाउंट बैलेंस शीट अलग अलग फॉर द ईयर एंडेड क्या होगा 31 मार्च 24 और यहाँ भी क्या लिखेंगे एक्सट्रैक्टेड यह एक और टर्म है इंक्लूड्स
एक्सट्रैक्टेड या इंक्लूड्स कुछ भी वर्ड एक डालना, इंक्लूड्स का मतलब पीएल में बहुत आइटम आएगा बट एक आइटम भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ भी देखो तो थर्ड ईयर पीएल में क्या खबर है, डेप्रिसिएशन 810, यही था ना। ओके, तो इस तरह से अलग अलग साल मशीन का खर्चा अपने पीएल में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में भी कैसे काम करेंगे वो भी बताएंगे। पहले पीएल कॉपी कर लीजिए, इतना डिटेल में आपको यहाँ नहीं चाहिए, रियल लाइफ के लिए आप सीख रहे हो, एक बार पूरा डिटेल में सीखना है आपको। 11 में सीखे होंगे, भूल गए होंगे, आपको जीरो मान लिया हमने। पीएल अकाउंट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्टेड ऑब्लिक इंक्लूड्स कोई एक टर्म, और हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना। बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोग इंक्लूड्स या एक्सट्रैक्टेड करेंगे, और कंपनी अकाउंट्स में तो भर भर के करने वाले हैं एक एक आइटम दिखाने का। इसके बाद हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं, पूरा जीरो बन के रहना, 4-5 चैप्टर्स हैं, सब कुछ कवर करेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन पीएम, सुजय बाबा, टू डेप्रिसिएशन ऑन पीएम एक्सट्रैक्टेड या इंक्लूड्स? तुषार बाबा, डन। यस यस, सेकेंड लास्ट बेंच, भाई लोग, हेलो ब्रदर्स, डन। यस थर्ड बेंच, गुड़िया, डन। एनी डाउट? आइए, पीएल तो दिखा दिए करेक्ट प्रॉफिट लॉस के लिए, अब करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं वो भी बताया जाएगा। बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, बैलेंस शीट भी इनकम्प्लीट है तो क्या वर्ड डालेंगे, एक्सट्रैक्टेड डालिए या इंक्लूड्स? बैलेंस शीट किसी एक डेट को बनता है, एज ऑन बोलते हैं। देखो तो पहला क्या था, 31 मार्च 22। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी पढ़ाएंगे, दो दो फॉर्मेट, एक नॉन कॉर्पोरेट का, एक कॉर्पोरेट का। एसेट साइड पे एसेट्स, और इधर क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज। लेजर से बनता है, लेजर से, लेजर के बैलेंस से ही आता है बैलेंस शीट में। देखो तो पीएम का अकाउंट खोल के देखो, पीएम का अकाउंट पहला साल के लास्ट में पीएम का कितना बैलेंस था अकाउंट पे, 9000 है ना। बट ऐसे दिखाते पीएम दिखाएंगे, इनर कॉलम में 10,000, फिर लेस डेप्रिसिएशन 1,000, तो बाहर 9,000। जो लेजर में बैलेंस है वही आउटर कॉलम पे आएगा। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे कब का, एज ऑन 31 मार्च 23। एक फॉर्मेट मत बना लेना कंजूस टाइप से। ओके, सेकेंड ईयर का पीएम का ओपनिंग बैलेंस कितना था, लेजर से देखो 9,000। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था, 900। सेकेंड ईयर के लास्ट में डेप्रिसिएशन के बाद 80,100। और बताएंगे फिर से एक बनेगा एज ऑन 31 मार्च 24। फिर से देखेंगे इस साल पीएम का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 8,100। इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 810। और देखो साल के लास्ट में बैलेंस कितना बचा, 7,290। तो जब आप लोग बैलेंस शीट वाले चैप्टर्स पढ़ोगे सबको ऐसे ही करना है, कॉपी कर लीजिए, सबका हेडिंग वही रहेगा, बैलेंस शीट एज ऑन एक्सट्रैक्टेड
बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। 9000 हाँ यहाँ पे आउटर कॉलम में डाल दिया। नहीं आउटर कॉलम बैलेंस शीट सबका अलग अलग। ये डन सबका। आपको एग्जाम में इतना सारा नहीं पूछेगा, क्या पता कंसेप्ट बेस्ड पूछा तो बोल ही देगा कि 3 साल का पीएल बैलेंस शीट दिखाओ। तो आपको एकदम बेसिक्स भी पढ़ के जाना है। पेपर बहुत कंसेप्ट बेस्ड आता है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे कुछ भी। तो राइट फ्रॉम एकदम जीरो से लेके टॉप तक सब कुछ आपको पढ़ना है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। ये डन। अब इलेक्शन डे होमवर्क देता हूँ, जो जो वोट देने जाएंगे उनको उनके लिए होमवर्क नहीं है ये, ठीक है। और जो वोट देने नहीं जाएंगे आप लोग घर में बैठ के होमवर्क करना, अपने लिए भी अपने दोस्त के लिए भी। और कोई झूठ नहीं बोलना, सबका वोट कार्ड चेक किया जाएगा कि वोट दिए हो कि नहीं दिए हो। सो एक इसी पे एक रिपीट होमवर्क दे दे रहा हूँ मैं, घर पे करना। एक एक ही टॉपिक को दो बार करेंगे, याद होगा और कल से इसका फ़ायदा उठाएंगे। इलेक्शन डे होमवर्क फॉर ऑल बच्चे, बड़े लोगों के लिए नहीं। मजाक कर रहे हैं आप लोग, ऐसे सीरियसली मत ले लेना। लिखो लिखो, सबके लिए होमवर्क है, सबके लिए भाई। एग्जाम में आएगा तो ऐसे थोड़ा ना बोलेगा, अरे वो इलेक्शन के दिन सर दिया था हम तो पढ़ा नहीं। अब वो थोड़ा ना नया प्राइम मिनिस्टर आपको पास करवा देगा, वो बोलेगा वोट दिया था ठीक है थैंक यू, पर लिखा नहीं डैश हो गया हमें पता नहीं। बेटा जनवरी टू दिसंबर का दे रहा हूं, पीएम का कॉस्ट 50,000, डेप्रिसिएशन 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये क्वेश्चन है 1/1/21 को पीएम परचेज किया 50,000 पे, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन। आपको वर्किंग नोट बनाना है, आपको जर्नल करना है, आपको लेजर करना है, आपको पीएल भी बनाना है और साथ साथ में बैलेंस शीट भी लाना है। कितना साल का 2021, 2022, 2023, 3 साल का। जो काम मैंने किया वो आपको रिपीट करना है, सो डेट याद रहेगा आपको सब कुछ अच्छी तरह से। अब मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से एंट्री पूछूंगा, अगर आप राइट बताओगे तो मैं सेल का भी डिस्कशन करूंगा और वो भी कंप्लीट हो जाता है तो आज का मेरा कोटा ओवर। सारे सम्स जो होमवर्क दिए थे मैं सोल्व करूंगा, कुछ आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे तो डन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में आके बड़े बड़े 10-10 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो चलिए बोलिए, एसेट खरीदने का एंट्री आप लोग को याद है क्या है? एसेट टू बैंक, और उसे कभी खर्चा भी करेंगे यूज़ करने से पहले उसका भी एंट्री एसेट टू बैंक। साल के लास्ट में आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, डेप्रिसिएशन टू एसेट।
और डेप्रिसिएशन को पीएल में स्वाहा कर देते हो। डेप्रिसिएशन जर्नल उतना काम का नहीं आएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ एसेट अकाउंट ध्यान पे रखना है। एसेट पे दो ही एंट्री होता है पीएम में, टू बैंक, खरीदने से क्या लिखते हैं टू बैंक, और साल के लास्ट में क्या लिखते हैं बाई डेप्रिसिएशन। और नेक्स्ट ईयर से तो जब तक खरीदेंगे नहीं तो कुछ एंट्री नहीं है, ओनली बाई डेप्रिसिएशन। ये दो एंट्री का खेला है। कभी कभी एसेट्स बेचते हैं तो बेचने पे क्या एंट्री लगेगा, प्रॉफिट लॉस का क्या एंट्री लगेगा, मैं समझाऊंगा। अभी सब कुछ समझाना है, आप लोग को पता है, फिर भी समझिए। आइए कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट। ये अकाउंटिंग ही सिखा रहे, अकाउंटिंग ही सिखा रहे। अकाउंटिंग के अंदर सेल का, अकाउंटिंग के अंदर सेल ऑफ एसेट का एंट्री। यस, एसेट बेचते हैं तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। एसेट बेचते हैं, सेल्स का एंट्री, खरीदने का एंट्री, बैंक टू एसेट्स बोला था ना, एसेट्स टू बैंक बोला था, तो सेल करेंगे तो क्या लिखते हैं बेटा, सेल ऑफ एसेट का एंट्री। यस, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, लिखना नहीं, लिखना नहीं। और एसेट्स बेचते हैं तो लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉस कब होता है, कल क्या सिखाए थे बेटा, सेल्स वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू। सेल्स वैल्यू कम है, बुक वैल्यू ज़्यादा है तो लॉस। लॉस होने से, लॉस होने से लॉस तो डेबिट होता है ना बेटा, तो अपने लिखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट, लॉस हो गया। और इस लॉस को साल के लास्ट में पीएल में, जितने भी आपके खुशी या गम आएंगे अकाउंट्स में, साल के लास्ट में पीएल में ट्रांसफ़र, इस लॉस को पीएल में ट्रांसफ़र कर देते, पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो लॉस हो या प्रॉफिट, दो एंट्री लगता है। एक तो जिस दिन बेचेंगे उस दिन लॉस का एंट्री, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट, और साल के लास्ट में पीएल टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कभी कभी हम लोग ऐसा दो एंट्री नहीं लगाकर डायरेक्टली भी लगा देते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। लॉस का एंट्री डायरेक्टली भी हो सकता है, तो लॉस होने से डेबिट, तो डेबिट पीएल हो जाएगा बेटा, क्या एंट्री लग जाएगा, पीएल टू एसेट। आपको जैसे मर्जी वैसे एंट्री लगा लीजिए, बट ऊपर वाला प्रॉपर है। जब आप बेचेंगे लॉस अकाउंट में डाल देंगे, पीएल तो साल के लास्ट में एक बार आता है। लॉस तो आप सितंबर में बेचे, अक्टूबर में बेचे, जनवरी में बेचे, अप्रैल में बेचे, कभी भी लॉस होएगा, बट पीएल तो कभी भी नहीं आता है, पीएल तो साल के लास्ट में, तो साल के लास्ट में। तो ये एंट्री अच्छा है दो एंट्री लगाना, बट ये जो एंट्री भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, बट अपने आप को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि यार अभी तो सपोज 30 जून को एसेट्स भेज दिया, 30 जून को पीएल, तो पीएल तो आएगा ही नहीं। आप चाहे जितना भी पूजा पाठ कर लो, पीएल साल में एक ही बार आता है, साल के लास्ट में। तो नीचे वाला इजी है बट अच्छा नहीं लगता। मार्क्स के हिसाब से ऑल इज़ वेल, इंस्टीट्यूट दोनों करता है। तो अभी आप सीख रहे हो तो सारे ऑप्शन सीख लो, या साल के लास्ट में ही बेचे हैं, आज 31 मार्च है, आज अकाउंट्स क्लोज कर रहे, आज पीएल बनाएंगे, आज ही बेचे, तब तो डायरेक्ट पीएल टू एसेट। तो जब भी कभी बेचेंगे, लॉस में डाले, पीएल में डाले, वो सरदर्दी हो, जब कुछ भी लिख, सब राइट है, सब राइट है, बट अभी प्रॉपर दोनों तरीका से सीख लो। लॉस का समझ भी आ गया। और कभी कभी बेचते हैं तो क्या होता है बेटा, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होता है ये बताना, प्रॉफिट कब होता है। ओके, थोड़ा रुक के बताते हैं। चलो, जब भी एसेट्स बेचेंगे ना, पहला डेप्रिसिएशन लगाना जिस दिन बेचा था, याद है ना,
कल कितने सारे अपने होमवर्क दिए थे वो 30 जून को भेज दिया, तो जून तक का इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन सेप्टेम्बर में भेज दिया तो सेप्टेम्बर तक, बाकी के सारे एसेट्स का डेप्रिसिएशन साल के लास्ट में, जिस एसेट्स को बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन डेट ऑफ सेल। तो कभी भी एसेट्स बेचेंगे तो पहले उसका क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल। और अच्छा रहता है कि 1 जनवरी को बेच दिया, साल के स्टार्टिंग में बेच दिया, तब तो अच्छा है, डेप्रिसिएशन तो लग ही गया था, और बीच में बेचा ना तो फिर वो लोग को एक डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिर सेल का एंट्री। तो सेल ऑफ एसेट अकाउंटिंग ही चल रहा है, सेल ऑफ एसेट लिखकर नंबर वन फॉर सेल्स वैल्यू, सेल ऑफ एसेट लिखकर सेल्स वैल्यू का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, सेल्स वैल्यू का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। फिर नंबर टू लॉस ऑन सेल ब्रैकेट में सेल्स वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू, तो क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट। आपका एसेट कम गया इसलिए एसेट क्रेडिट, और फिर पीएल टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट एंड पीएल टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। दो एंट्री होता है ना लॉस का, लॉस ही नहीं कोई भी इनकम एक्सपेंसेस का दो एंट्री, और दोनों को कैंसिल करके नेट एंट्री भी लगा दो, लॉस लॉस को काट देना, डायरेक्ट एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। PL account debit to asset हो गया फर्स्ट बेंच। यस, प्रॉफिट कब होता है बेटा, प्रॉफिट जब सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन बुक वैल्यू, तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है ना बेटा, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और ये किसके कारण प्रॉफिट हुआ है बेटा, एसेट, तो एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट साल के लास्ट में कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट साल के लास्ट में कहाँ चला जाएगा, पीएल अकाउंट। तो प्रॉफिट होता है तो एसेट्स अकाउंट पे लिखते टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और सुनो इसको नेट इफेक्ट क्या कर सकते हैं, एसेट टू पीएल। किसी किसी को लगेगा सर एसेट बेच रहा है, एसेट्स को डेबिट क्यों कर दिया, एसेट्स बेचने से तो एसेट्स कमता है ना, बोलो बेटा, तो कमने से तो क्रेडिट होता है ना, या डेबिट हो गया आपको उल्टा लग रहा होगा, अरे एसेट्स बेचने से, अरे 11 तो थोड़ा बहुत तो याद होगा ना, एसेट्स बेचने से कम जाएगा ना, एसेट्स क्या होना चाहिए, क्रेडिट, बट हमने क्या लिख दिया, हमने भी सही लिखा, आपने भी सही पढ़ा, वो इसलिए लिखते ना, जब सेल्स वैल्यू ज़्यादा रहता है तो बैंक टू एसेट्स, एसेट्स को ज़्यादा क्रेडिट कर दिए थे, जितना का एसेट्स गया था उससे ज़्यादा क्रेडिट कर दिए थे, अरे बैंक टू एसेट्स लिखा ना आपने, तो सेल्स वैल्यू ज़्यादा है तो जितना का वैल्यू था उससे ज़्यादा एसेट्स को क्रेडिट कर दिए, उसलिए फिर से एसेट्स को क्या कर दिए, डेबिट। मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूँ,
ये लास्ट लिख लेना, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल यहीं पे लिख रहे थे ना, लॉस के सामने ही लिखो प्रॉफिट ऑन सेल, जहां लॉस था ना वहीं पे लिखेंगे क्या बेटा, लॉस वाला के बाद वहीं लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। और एसेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट टू पीएल, दैट इज नेट इफेक्ट एसेट्स टू पीएल। डन, ये देखेंगे एग्जाम्पल। फर्स्ट जनवरी 23 पीएम का बुक वैल्यू 10,000 और सोल्ड कर दिया 8,000 पे, क्या होगा बताइए। 10,000 का पीएम बेच दिया 8,000 पे, लॉस हो गया हाउ मच, 2,000 हो गया ना। इसका दो एंट्री देखना, सेल का, सेल का एंट्री क्या लगाते हैं, बैंक टू पीएम कितना बोलो बेटा, और दूसरा लॉस का एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएम कितना बेटा, 2,000। डन। अब मेन काम जो आप लेजर में करने वाले हो, ध्यान से देखना, ये पीएम का अकाउंट आपका चलते रहेगा, इधर टू बैलेंस बीडी ओपनिंग वैल्यू है, देखो तो पीएम का वैल्यू कितना है 10,000, टू बैलेंस बीडी 10,000, तारीख है 1/1/23 और आज के दिन आप बेच दिया, तो क्या लिखा बैंक टू पीएम, तो पीएम में क्या लिखेंगे, पीएम में क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कितना 8,000 और लॉस हो गया, लॉस हो गया तो क्या लिखेंगे बाय पीएल, बाय पीएल अकाउंट। तो आपके पास 10,000 का पीएम था साल के स्टार्टिंग पे और उसी को आपने 8,000 में बेच दिया, तो लॉस हो गया, तो आपका पीएम का लेजर खत्म। बहुत सारे मशीन रहता है तो बैलेंस बच जाता, कॉपी कर लो। सेल का टॉपिक भी खत्म हो गया आज का, अब हम लोग सारे वर्किंग नोट्स पे डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास पे इस पे बड़े बड़े सब्स करेंगे, तब तक आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। पीएम बुक वैल्यू 10,000, सोल्ड 8,000, लॉस 2,000। टेन थाउजेंड का पीएम 8,000 में बेचा, 2,000 लॉस, या निधि मिस हो गया तुम्हारा कुछ। और बेचने का एंट्री, खरीदने का एंट्री पीएम टू बैंक, बेचने का एंट्री बैंक टू पीएम, लॉस हमेशा डेबिट होता है पीएल अकाउंट डेबिट, लेजर भी देख लीजिए। अभी प्रॉफिट का एग्जांपल देंगे, आपको खुद करना है, फिर होमवर्क सेशन पे चलता हूं मैं। क्या मिस हो गया, लॉस होने से पीएल डेबिट, कभी भी लॉस होगा पीएल डेबिट।
ये सब 11 का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक्स बिगिनर्स के लिए। कल सम्स करेंगे अपने, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सम्स। ये हो गया सबका। एक काम आप लोग भी करो ना, अगर सेल कर दिया 10,500 पे, सेम क्वेश्चन कंटिन्यू करो। सेल्स कर दिया 10,500 पे, तो जैसे जैसे मैंने किया था वैसे आप भी करो। जो जो काम मैंने किया, जर्नल, लेजर, आप भी करना है। देखो तो कोई बोल सकता है प्रॉफिट हुआ ना लॉस? वाओ ग्रेट, बड़े हो गए, सब याद आ गया आपको 11 का। यू ऑल आर ग्रेट, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। 500 प्रॉफिट आज का, मेरा मेहनत रंग ला दिया अंश बाबा। हाँ बाबा, हाफ टाइम पे आने से सब कुछ अच्छा होता है बाबा। बोलिए बाबा, आज अंश बाबा लीड करेंगे बेचने का एंट्री बोल। अरे शर्माओ मत बेटा, एंट्री बोल। बैंक टू पीएम कितना? वेरी वेरी गुड, सच्ची का बाबा बड़े हो गए। और प्रॉफिट का एंट्री क्या लगाएंगे? लो अब यस बाबा बोले कि हम अंश के दोस्त हैं, बाबा बड़े हम भी बड़े। पीएम टू प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी वेरी गुड, कितना? 500। अब आप लोग लेजर में चलेंगे। ये आप लोग का 11 का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, एकदम राइट फ्रॉम स्क्रैच। टू बैलेंस बीडी कितना? टू बैलेंस बीडी 10,000 था ना। बाई बैंक कितना में बेचा? 10,500 है ना। फिर क्या आ जाएगा? 2,500 डन। और पीएम का लेजर बन या निशान बोल, कैसे करूं तुम्हें शान? निशान बोलो। हाँ पीएम टू पीएल लिखा ना, पीएम टू पीएल। अरे एसेट को ही तो पीएम बोलते हैं, नाम फर्नीचर रहेगा तो फर्नीचर टू पीएल, कंप्यूटर बेचेंगे कंप्यूटर टू पीएल, जो एसेट बेचे। डन। पीएम का मतलब प्लांट एंड मशीनरी, प्राइम मिनिस्टर नहीं। प्राइम मिनिस्टर बेच के 500 मिलेगा, ऐसे नहीं सोच लेना। कोई सोचे इलेक्शन आ रहे पीएम को भेज दिया क्या? ओके प्लांट एंड मशीनरी डन। सुनो ना, अब जिसके मन पे वो क्वेश्चन आ रहा होगा, ये बेचता है तो पीएम को क्यों डेबिट किया, वो इसका जवाब देखो। आपके पास कितना का पीएम था पहले से? कितना का पीएम था? तो आप 10,000 का पीएम था तो 10,500 कैसे बेच दिए? 10,000 का पीएम था तो पीएम को क्रेडिट कैसे कर दिए 10,500? ज्यादा क्रेडिट कर दिया ना, कितना? 500। तो फिर पीएम को डेबिट कर देंगे 500। ऐसा नहीं कि बेचने से पीएम बढ़ गया, प्रॉफिट पे बेचने से पीएम हम लोग जितना था उससे ज्यादा क्रेडिट कर दिए, उससे ज्यादा क्रेडिट कर दिए, तो वो पाप का प्रायश्चित करते हैं पीएम को डेबिट। तो देखो पीएम डेबिट 500, क्रेडिट 10,500, तो अल्टीमेटली पीएम गया कितना? 10,000। तो इसीलिए डेबिट करते, कोई डरने की बात नहीं है। तो ये टॉपिक भी हो गया। अभी कभी कभी कंपनी वगैरह में ना एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसे पीएल में भी ले जाते हैं, और कैपिटल रिजर्व, एक नया नाम मिलेगा आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, कैपिटल रिजर्व भी दिखाते हैं, बताएंगे आपको। आज का जो नॉलेज वाला पार्ट था कंप्लीट।
अब नॉलेज आज कुछ नहीं मिलेगा आपको, प्रैक्टिस करवाएंगे, अब नॉलेज मिलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ, एक दिन फुल क्लास प्रैक्टिस, फिर नेक्स्ट डे, और उसके बाद चार पांच मिसिलिनियस टॉपिक्स हैं, नए नए टॉपिक्स, फिर आपका खत्म हो जाएगा डेप्रिसिएशन। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन, एनपीओ, सिंगल एंट्री पढ़ा ही नहीं सकूंगा, आप भी नहीं कर पाएंगे सम करेक्टली अगर डेप्रिसिएशन गलती हुआ तो। इनफैक्ट इंटर में भी आके थोड़ा थोड़ा तड़पते रहते डेप्रिसिएशन का, कुछ पाप कर देते यहाँ तो ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन के साथ पंगा नहीं लेना कोई भी, वो बर्बाद कर देगा फाइनल्स तक। आपको सीरियस बनाने के लिए मैं दिखाई देता हूं, देखो ये एक 20 नंबर का चैप्टर है जो इंटर में भी है फाइनल में भी है, डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 1 जनवरी कंसीडर, 1,80,000 1 जुलाई फिगर कंसीडर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। डेप्रिसिएशन कहीं भी नहीं छोड़ने वाले हैं आपको, और इसका कभी कभी वर्किंग समझाते समय प्रॉब्लम ही हो जाता है, कोई के बच्चे बोलते हैं सर डेप्रिसिएशन वाला समझ में नहीं आया, दिखाता हूं वर्किंग नोट, जितना प्यार से आपको पढ़ाया जा रहा है देखो। डेप्रिसिएशन 10% 6 मंथ्स, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड, ये सब डेप्रिसिएशन का बड़ा चक्कर है, मतलब टफ नहीं है, आई मीन टू से आपको जो अभी सिखाया गया वही है, तो बहुत यूजफुल है, और इस बार इंटर में एग्जाम में भी आया था, उसमें भी डेप्रिसिएशन का टॉपिक डाल दिया था, ए डेप्रिसिएशन हाफ चार्ज, एप्रिसिएशन के कारण फिर डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन आते रहता है, ये इंटर का बताया, और सेम चैप्टर सीए फाइनल में भी होल्डिंग कंपनी ये चैप्टर है जो इंटर फाइनल दोनों में होता है, और कैश फ्लो में तो आप सम्स ही नहीं कर पाएंगे, एक कैश फ्लो चैप्टर है, मैक्सिमम सम में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये देखिए फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, शायद लेजर उजर भी बना के ही बचा बताना होता है बच्चों को, इम्पोर्टेंस दिखा रहे इस टॉपिक का आपके आपके प्रोफेशन पे, और कितना सारा लेजर बनाता हूँ डेप्रिसिएशन का इंटर पे जो आपको सिखाएंगे आज और कल, फिक्स एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कल सिखाने वाले, कंपनी में यही होता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एक अपने हाथों से बनाता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को, कहाँ गया भाई, या ये सुन क्या हुआ मेरा, ये देखिए यही आप लोगों को कल सिखाने वाला हूँ, फिक्स एसेट कॉस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे बढ़िया से सीखोगे तो इंटर में आके टीचर के साथ साथ सोल्व करोगे, और यहाँ पे तकलीफ होगा तो फिर से आपको सीखना पड़ेगा, तो कॉम्प्रोमाइज़, ये देखो प्रॉफिट लॉस, एक एसेट्स का कॉस्ट इतना, डेप्रिसिएशन इतना, बुक वैल्यू इतना, सेल्स वैल्यू इतना, लॉस, ये सब सीखना है, आई मीन टू से कि फाउंडेशन में जो भी पढ़ रहे हो सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होते जाएगा फाइनल्स तक, और सीए बनने के बाद तो चाहिए चाहिए। देखो मैं प्रॉफिट लॉस भी कुछ कुछ बच्चों के लिए करना पड़ता है क्लास में, अगर 50 स्टूडेंट्स है, दो बच्चा को फाउंडेशन अच्छा से नहीं पढ़ा तो उनके लिए तो समझाना ही पड़ेगा ना, इस क्लास में अगर एक भी बच्चा नहीं समझेगा तो मेरे को तो पूरा समझाना है, 80-90% बच्चा कर लेता है जो फाउंडेशन में सीरियसली है, और कुछ कुछ के लिए देखो पूरा क्लास में करना पड़ता है, किसी को बोलेंगे प्रोविजन का लेजर बनाना है, नहीं हम लोग फाउंडेशन में किए थे बहुत सा हम याद है, या ओवरटेक वाला सिस्टम हो जाता है, और कोई ऐसे करके देखते थे चार आग से क्या हो रहा है, सो द थिंग इज दैट मैं आप लोग को ना फ्यूचर दिखा रहा हूँ, फ्यूचर दिखा रहा हूँ, फाउंडेशन में 5 चैप्टर और इंटर में तो बहुत सारे जगह पे, जस्ट बिकॉज कि आपको अच्छा से घर में पढ़ो, टेक एवरीथिंग सीरियसली, ये 11 12 नहीं है, पढ़ो मार्क्स लो और आगे बढ़ो,
ये ऐसा है कि आप पढ़ो, फिर इसका इसको यूज़ करेंगे इंटर पे, फाइनल पे, फिर उसके बाद अपने जीवन पे। इसलिए ऐसा सीखो कि कुछ छूटता जाए। देखो मैंने कैसे सिखाया, हम सब, मेरे को पता था आप लोग को जर्नल भी आता है, लेज़र भी आता है, पीएल भी आता है, बैलेंस शीट। 1 घंटा टाइम लेकर सिखाया कि ये ज़िंदगी में आखिरी बार सीखेंगे आप लोग, अब और दोबारा नहीं सीखेंगे। जब पहली बार 11 में सीखे थे, आप में बचपना था, ये अप्रोच नहीं था कि भैया सीखो अच्छा से, यही नोट मशीन है हमारी, यही हमारा फ्यूचर है। लेकिन आज तो पता चल गया ना, इसलिए बच्चा से बच्चा टॉपिक भी करे ना तो आप लोग अच्छा से देखना। अब मैं वो सारे सम सोल्व करूँगा जितना मैं होमवर्क दिया था, जिसमें किसी को कोई डाउट रहेगा तो बिंदास पूछेंगे, और नेक्स्ट क्लास उन्हीं सारे सम्स का अकाउंटिंग करेंगे, पीएम अकाउंट बनाएंगे, पीएम अकाउंट 2 घंटा इन्हीं सम्स को करेंगे। तो बताओ बेटा कहाँ से शुरू किया था? अरे बिल्स का मेरा तो एक डॉन वाला सम बाकी रह गया। ये तो डॉन बोल रहा है कि हम डिस्टर्ब करेंगे आपको। क्यों डॉन? क्योंकि आपने मेरे को सलटाया नहीं। डॉन वाला सम बाकी है ना, जब भी मैं बुक खोलता हूँ डॉन ही आ जाता है। सर आपको कल परसों देख लेंगे, प्लीज डोंट माइंड। गुस्सा हो गया, बोलेगा हमको बुला कर दरवाजे में खड़ा करके रख दिया। डॉन लोग तो पता ही है कैसा होता है, सारे डॉन भी आपके क्लाइंट बनेंगे फ्यूचर में, ध्यान रखना भाई लोग, डॉन लोग भी आपके क्लाइंट बनेंगे। यस प्लीज बोलो बेटा। पी वन हो गया था एकदम बढ़िया से, टू हो गया था बढ़िया से, थ्री होमवर्क है। यस किसी का शायद नहीं भी हुआ होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। और आप लोग खूब चिल्लाना, जो मेहनत किए थे रंग लाएगा। शायद वो बोलना भूल गए थे क्या, वर्किंग नोट के बाद पेज छोड़ने के लिए छोड़ा है ना। कल हम लोग सारे को भरेंगे नेक्स्ट क्लास में, कितना आसान क्लास लगेगा। आइए अ फॉर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीन 1 जनवरी 19 को 3 लाख एंड सब्सिक्वेंट 60-40 रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ पीएम में कितना हो जाएगा? 4 लाख। कौन सा क्वेश्चन है? पी 3। यस 4 लाख ऑन 1 जुलाई 2020 अंदर मशीन परचेज 260, ऑन 1 जुलाई 2021 फर्स्ट मशीन बिकेम आउटडेटेड, ऑक्शन मतलब बेच दिया, और अंदर मशीन परचेज 3 मशीन हो गया क्या? ऑन 1 जुलाई 2022 सेकेंड मशीन ऑल्सो सोल्ड, टोटल 3 मशीन है ना, 10%। 31 दिसंबर स्ट्रेट लाइन। देखो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, सेल करते हैं ना तो कभी कभी डिस्पोजल अकाउंट पूछ लेता है। सेल करने को ही कहते हैं डिस्पोजल सेल को, कभी कभी अलग से अकाउंट पूछ लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से नॉलेज चेक किया जाएगा आपका। P3 P3 एक एक बच्चा स्टार्ट करेगा यहाँ से। मेरे को वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन बच्चा को समझ में नहीं आया, उसे समझाएंगे। बोलो मशीन वन 1 1 19 कॉस्ट में सब प्लस करके बोलिए, या एक बच्चा एक आइटम, और कोई दूसरे के कॉपी से नहीं बोलना। मैं किसी को डांटने वाला नहीं हूँ, डांटने का काम खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग तो बिफोर टाइम सीए बनने चाह रहे हैं, तो आपके अंदर ही कुछ अलग ही जोश है। अब जोश नहीं पैदा करना है अंदर से, सारे जोशीले लोग हैं, चोरी मत करना, आवाज बुलंद करो। चलो चलो बढ़ते चलो। 1 जनवरी बुक वैल्यू 3,60,000। कोई दूसरे के कॉपी से नहीं देखेगा, और आप दिखाना मत, आप दिखाओगे तो आपके दोस्त को फेल कराना चाहते हो। जो अपने दोस्त को फेल कराना चाहता है वो दिखाएगा, क्योंकि दिखाएगा तो देख के बोल देगा, एग्जाम में तो देखने नहीं सकेगा। जो दिखा रहा है वो अपने दोस्त को डैश करवाना चाहता है,
उसे गड्ढा भी गिराना चाहता है, बोले मैं सीए बनू, तू डैश हो, तू मेरा क्लाइंट बनना, तू देख लेना। नेक्स्ट 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन 40, जो नहीं सकेगा मैं उन्हें अच्छी तरह से समझाऊंगा, इलेक्शन डे उनको बुला के एक्स्ट्रा क्लास दिलाऊंगा। बोलो बेटा, थ्री लैख 20,000। कल दिन भर मैं बोर हो जाऊंगा वोट देने के बाद, तो आप लोग को बुला के फिर से पढ़ाऊंगा, ये राइट है? तो जल्दी बोलो। और गलती होने से आवाज उठाना गलत है। कब सेल हो गया? ट्वेंटी वन को बेचा ना, तो क्या किया तुम भाई, गड़बड़ कर दिया? यस हाई है ना, बोलो तो सही, कर दिया ना, तो तुम इलेक्शन डे का कैंडिडेट हो। बेटा बेटा 1 जुलाई 2020 को बेच दिया ना, मेरे को पता है बहुत गलती होगा, बट आज मैं सबको सुधारूंगा, मैं टाइम रखा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक करो। बेटा आप बोलो, कहाँ से बोल रहे हो, क्यों? अढ़ाई घंटा का ओ, फ्राइडे शो का था क्या? तो आज तो आज कौन सा दिन है? नेक्स्ट 31 जून भी लिख सकते हो, 1 जुलाई 21 भी लिख सकते हो, डन। डेप्रिसिएशन कितना? 20,000। सबका नंबर आएगा, रुको। नेक्स्ट बुक वैल्यू 3 लाख। डरना नहीं, कोई किसी का गलती है, डरना नहीं, चोरी नहीं करना। नेक्स्ट थ्री लैख 20। नेक्स्ट प्रॉफिट 20,000, राइट है? मशीन वन खत्म, वेरी गुड। अब मशीन टू, कब एंट्री मारा मशीन टू? अरे नेक्स्ट बच्चा 1 जुलाई 20, यहाँ लिखो, ये सही है? हाँ सही है, 2,60,000। नेक्स्ट 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन 2,60,000 पे 10% 6 मंथ्स 13 उधर हो गया, यहां से स्टार्ट करो। नेक्स्ट 31 दिसंबर 21 लेस डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 26,000। नेक्स्ट डेट कितना तारीख का? नेक्स्ट बेंच, हाँ या मशीन टू कंप्लीटेड क्या? ओके मशीन टू चलाना है अभी? यस बोलो। लेस डेप्रिसिएशन कितना? 13। सीएमए स्टूडेंट हो रहा है। नेक्स्ट 1 जुलाई 22 बुक वैल्यू 2,08,000। नेक्स्ट 1 जुलाई 22 सेल वैल्यू 2,30,000। तो क्या हो गया, फिर से प्रॉफिट। नेक्स्ट
ये भी डन, मशीन टू भी हो गया, और क्या भाई, मशीन थ्री। मशीन थ्री कब एंट्री मारा, रुको रुको, 19 में है क्या, नहीं 20 में है क्या, 21 में भी, 21 में है, 21 में है? बोलो 1721 250,000 डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का ना, जिसको तकलीफ होगा तीन तीन वर्किंग नोट करना, तीन तीन वर्किंग नोट करना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। 250,000 पे कितना परसेंट, 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट 1122 आ गया, 237,500। नेक्स्ट 31 दिसंबर 22, जिसको प्रॉब्लम होगा तीन वर्किंग नोट बनाना, फिर आसान हो जाएगा। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, 25,000। नेक्स्ट कर लेना यार, नहीं तो नेक्स्ट क्लास समझोगे नहीं कुछ। 21,250 ओके, कब का, 1123 हो गया ना, 20 इतने ही मांगा था। चलो ऋतिक भाई छाप लो, और कोई आप तीन वर्किंग नोट बना लो जिसका गलती हो रहा है, प्रैक्टिस में फिर एक वर्किंग नोट बना लेना। जिन बच्चों का गलती हो रहा है तीन पेज में तीन वर्किंग नोट बनाइए, आगे चलकर अपने आप परफेक्शन आ जाएगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है एक ही वर्किंग नोट का, मार्क्स इक्वल मिलेगा एग्ज़ाम में, अलग अलग करें तो भी, एक साथ करें तो भी, दोनों स्टाइल से कर सकते हैं। बाबा हो गया आपका, अरे उधर कोई बाबा का रॉन्ग हुआ है क्या, रॉन्ग हुआ है उधर, अंश बाबा आजू बाजू आपके, फ्राइडे को क्यों नहीं आया था तू लोग, ओ बात भाई, सेकंड बेच के भरोसे मत रहो बहुत ज़्यादा। आप लोग वीडियो देख लो, एकदम समझ में नहीं आता है तो सेकंड बेच सेकंड वाला में कर लो। अरे तुम्हारा हो गया भाई, कोई छाप रहा है क्या, कोई कॉपी कर रहा है क्या, नेक्स्ट सम पी फाइव, ये नवंबर 19 भी आया था, थोड़ा अच्छी तरह से करना है आपको। इसमें कितना मशीन है, थ्री। अभी मैं तो आपसे पूछ के तीन वर्किंग नोट बना लेता हूँ भाई। हो गया रे, इधर इधर कोई लिख रहा है क्या, उधर हो गया। पी फाइव में आते हैं, एक्स परचेज मशीनी 1 जनवरी को 480 20 स्पेंट, तो कॉस्ट क्या ले लिया आप लोगों ने, 5 लाख। 1 जुलाई को 2017 को 2 लाख का परचेज किया, 1 जुलाई 18 को जो 1 जनवरी को खरीदे थे, 1 जुलाई 18 को ख़राब हो गया, बेच दिया और एक नया मशीन 5 लाख। डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को 10% WDV 17-18, 2 साल का ही पूछा है ना, यस। इसका मैं दो वर्किंग नोट, आप लोग तो एक साथ ही बोल देना, बट दो जगह वर्किंग नोट बनाने वाला हूँ। पहले मशीन वन का, कहाँ पे रुक गया था गाड़ी अभी, हाँ स्टार्ट करो।
1 जनवरी 2017 कॉस्ट 5 लाख. वेरी वेरी गुड. लेस डेप्रिसिएशन 10%. नेक्स्ट वाह वेरी गुड. नेक्स्ट कब भेज दिया? 1 जुलाई 2018 को तो बेच ही दिया. $22,500 होगा क्या? वेरी गुड. नेक्स्ट नेक्स्ट टू लैख 90,000. ये क्या हो गया? अरे उर्दू बोल रहे ना, 1,37,500. ये मशीन वन का. मेरा इतना दिमाग काम नहीं करता मैथ्स में, थोड़ा कमजोर हूँ. मशीन वन कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, पानी पी लिया. आओ बेटा मशीन टू को देखेंगे अलग से. कमजोर हूँ मैं, मैथ्स नहीं आता मेरे को, बट सीए तो बनना ही है मेरे को. नहीं, आप लोग के लिए बोल रहा हूँ. मशीन टू, आओ मशीन टू. कब आए तुम? किसका बारी है? ओके, तुम्हारा तो फर्स्ट डे फर्स्ट हो. उधर बोल रहे क्या? बोलो भाई लोग बोलो. 1 जुलाई 2017 कॉस्ट 2 लाख. 10,000 सही है. नेक्स्ट वेरी वेरी गुड. डेट भी बता दीजिए. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ओ डब्ल्यू डी भी मेथड 19,000. जल्दी जल्दी वन लैख 71. और बोलो, इसको कुछ नहीं किया क्या? खत्म हो गया क्या? इसको बेचा नहीं? 3 है या ठीक है. अभी किसका नंबर है? आपका. मशीन 3 फर्स्ट 18 कॉस्ट 5 लाख. इधर कहां पे रुक गया था भाई? हो गया. नेक्स्ट बेंच $25,000 4 लाख. राइट है? ये नहीं, मेजोरिटी का राइट ही है तो टेंशन का कोई बात नहीं है. मैं तो सोचा था मेरा 2 घंटा इसी में लगेगा, क्योंकि लास्ट मैचेस का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा डैश है, मतलब फंस ही जाते थे बच्चे, तो इसीलिए तो देखो मैंने M1, M2, M3 करने लगा. डर लग गया, मैं रिकॉल किया प्रीवियस पास हिस्ट्री. सो यू हैव डन वेल. तो अपन कल क्या करेंगे पता है? ये एकदम सीरियली सारा सम्स PM अकाउंट में डालेंगे. और क्या क्या होमवर्क है? P10. तो अब P10 सम्स करते समय कोई ट्विस्ट है क्या P10 में? तो सम्स करते समय देख लेंगे. मैं डरा था कि मेरे को पूरा फिर से समझाना पड़ेगा. नेक्स्ट P11 पे अ पार्ट ऑफ द मशीनरी ब्रेकअप है ना इसमें? हाँ, ब्रेकअप वाला एक बार कर लेते. P11 या ये ब्रेकअप वाला सम्स किया, इसको एक बार देख लेते. यस, अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर है आपका.
150,000 का January 1, 2007 एडिशनल मशीनरी एक्वायर्ड 2008 और पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज 50,000 January 1, 2007 सोल्ड 30,000। तो पहला जो मशीन था 150,000 का, उसका एक पार्ट 50,000 का बेच दिए और 100,000 चलेगा तो ठीक है। और कितना मशीन खरीदा? और एक मशीन खरीदा क्या? M1 M2 दो ही है ना? किसको बोलना था? मशीन वन 150,000 का था, उसमें से 50,000 का पहले बात करेंगे। 1, 1, 2007 बोलो भाई किसका बारी है? उसको बाद में करेंगे, थोड़ा टफ लगता है ना, अलग अलग करते हैं। हाँ स्टार्ट, ये 50,000 का पूरा बोल दो ना, सीरियल ऑर्डर में। नेक्स्ट बाबा बोल रहे हैं, नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट बोलो ना। अरे बाबा की बात वाला बच्चा नहीं बोला आंसर। December 31, डेप्रिसिएशन 5,000। नेक्स्ट, तो जल्दी करो यार, कितना तारीख को? नेक्स्ट, लेस डेप्रिसिएशन 2,000, राइट है क्या? राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो भाई। अरे आपके बाजू वाले को बोलो, होमवर्क नहीं किया क्यों? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। मैंने बोला था कि सब भूल के पढ़ाई याद रखो, तुम पढ़ाई भूल के सबको याद रखने लगा, रिस्की है लाइफ बेटा। नेक्स्ट बोलो, 37,500। नेक्स्ट, मानस बाबा, सेल्स वैल्यू 30,000, बोलो भाई। ये खत्म, फिर अब कितना का बचा? 1,00,000। बोलो नेक्स्ट बेंच, वो तो एब्सेंट ही थे वो लोग। नेक्स्ट बेंच, आर यू ट्राइड? बोलो भाई, या अरे अब आवाज नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा, बोलो ना कितना, चलो बता दो आंसर तुम लोग भाई, हेल्प करो। डेप्रिसिएशन माइनस क्या बोल रहे हो? या अमाउंट नहीं, डेप्रिसिएशन राइट है, वेरी गुड, वार्ड से, वेल डन, कितना बड़ा काम कर दिया बताओ, आठ से। नेक्स्ट, तू होमवर्क किए? बोल बोल जल्दी जल्दी बोल, तू इतना आराम से क्यों बोलती है, फटाफट बोल। मैं लिख दिया वो, आगे बोलो। नेक्स्ट, हाँ 10,000। नेक्स्ट,
नेक्स्ट। अरे आवाज ही नहीं आएगा तुम्हारा तो, उसका आवाज कोई सुन के मेरे को बोलो। उसके भी आप पे बोल रही हो ना? हाँ ठीक है, वो इतना बोली थी क्या जितना तुम बोल रही हो? अरे वो गुड़िया का नंबर है तो तुमने उसके भी आप पे वो अपने मन से बोल रही हो ना, उसका बोला वो रिपीट करे। हाँ ठीक है 10,000 हो गया, आवाज तो आ गया 10,000। नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट, क्या बोला? ये माइनस करके 70 हो गया ना इसका क्लोज, क्लोज हो गया। ठीक है और भी कुछ है? नेक्स्ट M2 11 2008 कितना? नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 5,000। नेक्स्ट कितना? अब कौन बचा? सब बोल दिया क्लास में। ऋतिक बोलो, गलती क्या था ना? 31/12/2009 डेप्रिसिएशन 5,000। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट है। नेक्स्ट तू भी बोलो ना, हो गया क्या? एक्सीलेंट यार, मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ा आज। और क्या क्या होमवर्क बाकी है? 13 में क्या ट्विस्ट है? क्या ट्विस्ट नहीं है तो जब कल सम लेंगे तो उसमें देख लेंगे। और क्या P14 में कुछ है? क्या कोई ट्विस्ट नहीं है तो आज एक एक होमवर्क दिया वो वाला और एक ही वर्किंग नोट का दे रहा हूं। आज अच्छा से आप लोग लेजर देख के आना, कल ना सारे सम्स का लेजर करेंगे। P15 को समझा रहा हूं मैं, एक वर्किंग नोट। यस समझेंगे। सुनो 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 सभी बच्चे, यस प्लीज। मिस्टर सब फार्मास्यूटिकल हैज इंपोर्टेड अ मशीन 1 जुलाई 2010 फॉर 8,000 pounds। अंडरलाइन करो, फॉरेन करेंसी आ गया, फॉरेन करेंसी 8,000 pounds में खरीदा। भैया इंडिया में तो रुपया चलता है ना। पेड कस्टम ड्यूटी फ्रेट लाने का ड्यूटी टैक्सेस कॉस्ट में प्लस हो जाएगा और इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन भी 60,000। अदर लोकल मशीन, और एक मशीन परचेज किया January 1, 2011। 1 जुलाई को अ पोर्शन ऑफ इंपोर्टेड मशीन 1/3। अंडरलाइन करना, पुराना जो मशीन, जो फर्स्ट मशीन था उसका 1/3 गॉट आउट ऑफ ऑर्डर एंड सोल्ड। 1/3 खराब हो गया, बेच दिया 1/3। और एक मशीन परचेज किया 50 पे, डेप्रिसिएशन 20% पर एनम WDV। मशीनरी अकाउंट 2010, 11, 12। तो मेथड तो WDV, अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? या अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन दिसंबर। अब आया इस क्वेश्चन का मेन पार्ट, एक्सचेंज रेट ₹20 per pound। आपने 8,000 pound पे खरीदा, एक pound पे ₹20,
कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे इस फिगर को 1,60,000 इज द प्राइस। ये आपके प्लांट एंड मशीनरी का प्राइस जो रहेगा मशीन का 1,60,000 इंडियन करेंसी में, प्लस कुछ खर्चा लगा ना, क्या लगा, कस्टम ड्यूटी फ्रेट कितना 80,000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना 60,000। यही समझाने के लिए रखा था मैंने सम, या आप लोग एक बार रफली पेंसिल से अपने स्टडी मैट पे लिख लो, आप लोग को फर्स्ट टाइम इन लाइफ मिला कन्वर्शन करने का मौका। 8,000 पाउंड्स फॉरेन करेंसी है, उसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे आप लोग, एक्सचेंज रेट हमेशा दिया रहेगा और भाड़ा वगैरह ड्यूटी वगैरह सब कॉस्ट में प्लस होता है, इंस्टॉलेशन का खर्चा भी कॉस्ट में प्लस होता है। समझ में आ गया, तुम पैकिंग कर रहे हो यार। बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, एक सम पूरा कंप्लीट करने दो ना मेरे को, इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। मेरा एनर्जी लेवल तुम्हें सिर्फ वर्किंग नोट के लिए लाया था, क्या क्या सीख लिया तुम लोग और गलती भी नहीं किया। सो परमिशन दो ना एक सम कराने का, नहीं दोगे क्यों भाई, क्या बात है, क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे गुड़िया, क्यों नहीं दे रही, दे रही क्या, ओए क्यों नहीं दे रही है परमिशन एक सम करने का। भाई लोग आप लोग, अभिषेक क्यों तुम बर्थडे बॉय ले क्या, ओके कितना बजे ट्यूशन को आप लोग 6 बजे रखा करो भाई, मेरे को 3 घंटा तो दिया करो। अकाउंट्स का सिलेबस बेटा, अकाउंट्स का सिलेबस बहुत वास्ट है और मेरे को कितना प्यार से पढ़ा रहे आप तो देखो तो सही, और इतना प्यार से पढ़ाना है अच्छी तरह से, फास्ट नहीं पढ़ाना है, उड़ाना नहीं है, कम भी नहीं पढ़ाना है, तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ना फास्ट ना कुछ कम पढ़ाना, कुछ नहीं, पूरा एकदम जी भर के पढ़ाना, तो टाइम तो चाहिए ना जी भर के। अभी क्या बोल रही है, चलो ठीक है जाओ, तुम लोग का दिल नहीं दुखाएंगे, लेकिन इलेक्शन होमवर्क करके आना और सब कोई रट के आना, ना छुट्टी।